वेलकम टू मेघालय। किसी ने कहा था कि मंजिल से खूबसूरत सफर होता है। इट्स ऑलमोस्ट 8:40 एंड आई गॉट ए वाटर बॉटल एंड मेरे साथ भास्कर जा रहा है। वो शायद से आ गया है, उसने मेरे को कॉल किया था एंड वो आ गया है, तो उसको आगे जाके मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ जा रहा है भास्कर एंड हम आज उक्यम जा रहे हैं एक छोटा सा राइड करने। चलो लेट्स स्टार्ट एंड मैं भी उससे जाके मिलता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द राइड टुगेदर। उक्यम तो कभी ना कभी देखा ही होगा बट मेरे साथ पहली बार, देखो मज़ा आएगा। एंड फाइनली भास्कर भाई आ चुके हैं एंड राइड बहुत मज़ा आने वाला है भाई। एंड फिलहाल अभी हम घर से करीब 8 या 9 किलोमीटर तक आ चुके हैं एंड यार नज़ारा देखो भाई, पहाड़ के दूसरे किनारे किनारे जा रहे हैं ना, एक मस्त वाइब आ रही है एंड जितनी गर्मी हो रखी है भाई। इस तरफ आके ना एक ही चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि यहाँ पे सब कुछ ना नेचुरल, और यहाँ पे कोई गाड़ियों की कोई साउंड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है भाई। बहुत बहुत अच्छा फील आता है। मैं क्लास 9 में था जब मैंने पहली बार उक्यम विज़िट किया था एंड तब से उक्यम मैं आज सेकेंड टाइम जा रहा हूँ उक्यम पे विद भास्कर एंड उक्यम तक जितनी डिस्टेंस है हम अभी आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और आधा बाकी है भाई। हम जितना नेचर के, मतलब हम जहाँ से आए ना, जितना नेचर के अंदर से होके आए ना, आप फील भी नहीं कर सकते कि मैं कैसे जगह से आया हूँ। व्यू का मजा लो गाइस। अभी फिलहाल उक्यम तक करीब 8 किलोमीटर बाकी है एंड बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। एंड किसी ने कहा था कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है एंड अभी फ़िलहाल हम सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। एंड गाइस फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके एंड भाई शरीर की हालत बहुत ख़राब है अभी। कैसा है, पानी गर्म है? कोई बात नहीं। फ़िलहाल अभी यहाँ से करीब 6 किलोमीटर बाकी है एंड वहाँ पे बढ़िया नदी वगैरह है, वहाँ पे जाके दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू। फ़िलहाल अभी हो सकता है, अगर हो सकता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करते हैं एंड कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद यहाँ से चलते हैं एंड व्यू देखो गाइस। शहर की खूबसूरती से ज़्यादा ऐसे नेचर की खूबसूरती दिल को बहुत सुकून देती है। चलो गाइस राइड चालू करते हैं फिर से। एंड भाई बड़ी मस्त हवा आ रही है एंड द बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस प्लेस, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नेटवर्क एकदम ही नहीं है और यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें किसी को कॉल करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोग हैं जिससे हम थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अगर नहीं होती है तो कुछ नहीं होती है। और भास्कर को तब से ये चुल मची पड़ी है कि इसको ठंडा भी नहीं भाई इतने अंदर ठंड, कोई ठंड वाली कोल्ड ड्रिंक मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाते तो अपनी किस्मत बहुत अच्छी है भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हो क्या एंड देखने वाली प्लेस तक सिर्फ करीब 100 मीटर बाकी है। चलो मतलब एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, हमारी मंजिल पे एंड ये देख सकते हो ये है असम और मेघालय का बॉर्डर, और इस ब्रिज को अगर क्रॉस करते हैं तो हम एंटर करेंगे मेघालय जो कि एक अदर स्टेट होता है। एंड रास्ते में आते टाइम हमको बहुत गर्मी लग रही थी तो इसलिए हम यहाँ पे आके हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिया और चिप्स लिया खाने के लिए मस्त वाली, अब इसको खाते हैं गाइस। अभी हम नदी किनारे जाने के लिए थोड़ी सी अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ फिलहाल शायद से मिल चुका है एक अच्छी सी जगह भाई, बहुत कूल लग रहा है यार। तो अपनी साइकिल से यहाँ पे पार्क कर लिया
और दिखाते हैं आप लोगों को असम की ब्यूटी। ये देखो गाइस, फिलहाल अभी हम नदी के किनारे जा रहे हैं गाइस। देखो राम सेतु की तरह सिर्फ पत्थर का ब्रिज। एंड भाई नदी ज़्यादा गहरा भी नहीं है और ज़्यादा मतलब जो भी हो यार बहुत। और यहाँ पे जो मस्त हवा, मस्त वाली हवा आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता कैसी फील आ रही है। तो गाइस अभी पानी में उतर रहे हैं गाइस। ओहो भाई, आते टाइम जितनी गर्मी लग रही थी ना सब खत्म हो गया यहाँ पे आके। Let's go some cinematic. Got our heads in the cloud. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. Bhai, meri cap gir ke pani mein gir gayi, dekho. Yahan pe itni hawa chal rahi hai, main cap pehna hua tha bhai. Mere sir se उड़ा के ले गया और पानी में गिरा दिया। तो अभी हम वहाँ से निकल के भी ब्रिज की ओर जा रहे हैं। एंड ब्रिज में से हम नदी पार करेंगे और एक बार मेघालय पे भी एंट्री मारेंगे। गाइस फाइनली हम अभी है ब्रिज के ऊपर। मैं लिटरली बता रहा हूँ इस ब्रिज में आने से बहुत डर लगता है भाई। ये ब्रिज ना पूरा झूल रहा है, देखो अगर मैं इसमें झुलाने से पूरा झूलता रहता ही। और ये पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ है। ए भाई फोटो का पोज देते हुए। एंड अगर इसको क्रॉस कर लेते हैं तो हम एंट्री करेंगे मेघालय। एंड ऊपर से नज़ारा देखो आप। थोड़ी देर यहाँ पे ब्रिज के ऊपर हमने फ़ोटोशूट किया। मैंने फ़ोटो में देखा भाई, मैं तो बिल्कुल एकदम कचरे से निकला हुआ कुछ जानवर लग रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मेघालय। एंड इसको वार करती हूँ, हम एंटर करेंगे मेघालय। इसको वार करती मेघालय पहुँच गए गाइस। वेलकम टू मेघालय। और यहाँ पे देखने वाली बहुत सी जगह है, लेकिन हम अभी सीधा घर जा रहे हैं क्योंकि अभी घूमने का इतना ज़्यादा चारों तरफ घूमने का टाइम नहीं है। फिलहाल यहाँ पे बहुत टाइम हमने रह लिए, बहुत नदी पे भी एंजॉय किया हमने, ब्रिज पे भी फ़ोटोशूट किए, ब्रिज पे भी मेघालय पे भी गए। एंड फिलहाल अभी हम घर को निकलते हैं। एंड भाई एंड नाउ अभी हम घर जा रहे हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।